दिल्ली हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पत्रकारों की दशा और दिशा को लेकर राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह के आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों की दशा और दिशा पर चर्चा करना रहा। सभा में उपस्थित विशेष अतिथिगणों ने पत्रकारों की दशा और दिशा पर अपने अपने विचार रखे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने अवनीश मिश्रा, जो कि एक जाने माने उद्योगपति हैं, वह सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जे के शर्मा से सीधी बातचीत की। उनसे जानना चाहा कि पत्रकारों की दशा और दिशा को कैसे सुधारा जा सकता है। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। कल राजधानी दिल्ली के बीच में पत्रकारों की दशा और दिशा को लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर कौशल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरबी विशिष्ट, वे सभा में उपस्थित कई माननीय अतिथियों ने की। प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो पत्रकार हैं आज के युग के बीच में, उनकी जो दशा और दिशा है वो दयनीय है। पत्रकार जो है, अगर हम कुछ बड़े पत्रकारों को छोड़ दें, बड़े पत्रकार घरानों को छोड़ दें, तो जो और पत्रकार है उनकी स्थिति इस प्रकार है कि कई पत्रकार तो हम में ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पाते, अपना इलाज तक नहीं करा पाते, तो उन्हीं की समस्याओं को लेकर ये पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पत्रकारों की मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाए, बताया जाए कि पत्रकार किस प्रकार किन किन समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। जैसे कि पत्रकार हैं, उनको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। हरियाणा सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो जो 60 साल से ऊपर के पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको वो 15 से लेकर 25 हजार रुपये की पेंशन देंगे। ऐसे ही पत्रकारों के पास ना तो कोई आवास की व्यवस्था है, पत्रकार सारा दिन गर्मी धूप बरसात कुछ नहीं देखता, युद्ध हो, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे आगे पत्रकार होता है। लेकिन पत्रकार की आज ये स्थिति है, कहने को तो कहा जाता है कि पत्रकार देश का चौथा, संविधान का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज चौथा स्तंभ इतना कमजोर हो चुका है, मुझे कहते हुए बड़ा एक अफसोस हो रहा है कि इतना कमजोर हो चुका है कि कभी भी ये स्तंभ ढह सकता है, क्योंकि आज पत्रकार के पास ना तो आजादी है, ना ही पत्रकार आर्थिक स्थिति से इतनी मजबूत नहीं है और वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कुछ वरिष्ठ यहाँ पे मेहमान हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अवनीश मिश्रा जी हैं, जो कि MBA हैं, एक उद्योगपति हैं, काफी ज्यादा राजनीति की समझ भी रखते हैं, व्यापार की समझ भी रखते हैं। हमारे साथ दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो JK शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ये भी समय समय के ऊपर जब भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है जहाँ पर पत्रकारों को लगता है कि पत्रकार मुसीबत में हैं, तो सबसे आगे शर्मा जी आगे 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 आते हैं और उनकी कानूनी रूप से जो है उनकी पूरी मदद करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो पत्रकारों की ये दशा ये क्यों है और इसके लिए क्या क्या सुधार इनसे लेंगे, कि क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि जो हमारे पत्रकार बंधु जो समस्याओं से जूझ रहे हैं वो किस प्रकार इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि आप एक मास्टर आपने की है बिजनेस के बीच में, आप एक सुलझे हुए उद्योगपति भी हैं, आप बड़ी नजदीक से देखते हैं और जानते हैं कि जो पत्रकार है एक बड़ी एक दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या कारण है कि पत्रकार जो इन स्थितियों में दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और कैसे इनको, किन प्रयासों से इनको इन स्थितियों से भाग लाया जा सकता। सबसे पहले मैं हरिंदर जी आपके चैनल पर धन्यवाद दूंगा और नमस्कार भी करूंगा। मुझे सबसे पहले कहने की यह आवश्यकता है कि आज पत्रकारों की स्थिति इस लेवल तक पहुंची कैसे, कहने के लिए तो पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ में उसकी नींव कहाँ से कमजोर हुई। अगर हम इसका बेस देखें, अगर हम इसका इतिहास देखें तो ज्यादा पीछे नहीं, अगर हम 70 साल पहले की बात करें तो हम देखते हैं स्वतंत्रता में पत्रकारों का कितना बड़ा अहम योगदान था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अपने पत्रकारिता की वजह से इस लेवल पे आगे बढ़ जा चुके, चाहे उनका हरिजन हो या नवजीवन इज्म से। लेकिन वहां से लेकर के आज 2024 तक की यात्रा के बीच में पत्रकारों की दिशा दशा कैसे चेंज हुई, इस पे हमें गौर करने की बात है। पत्रकारिता का अर्थ पहले तो निष्पक्षता, सरकार विरोधी होना बहुत अच्छी बात थी,
एक प्रमुख विपक्ष का भी रोल निभाती थी पत्रकार हमेशा, और उनके सोच विचार पे ही देश और समाज की स्थिति का निर्धारण होता था, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिससे आप देश के विकास को आगे ले जा भी सकते हैं और उसको धकेल भी सकते हैं पीछे। आज पत्रकारों की स्थिति दयनीय भी है और बड़ी सोचनीय भी है। पत्रकार आज की डेट में पत्रकार एक बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस का जरिया बन चुके हैं। आज पत्रकारिता पे लोगों को विश्वास नहीं रहा, संदेह की स्थिति हो गई। इस संदेह की स्थिति आप अगर देखेंगे तो पिछले 1990 के बाद से, 1990 के बाद से नरसिम्हा जी के कार्यकाल के बाद से अगर आप देखेंगे तो स्थितियां बहुत खराब हुई। पत्रकार अपने लिए ही पत्रकारिता की निष्पक्षता छोड़ चुके हैं। आज इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में घुसे हैं। आप सबसे पहले सवाल क्या अपने आप से पूछे हैं, क्या हम उस बिजनेस के लिए काम करते हैं, उस कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, या हम इस देश के संविधान को मानते हुए अपने चौथे स्तंभ को आप स्व प्रभावित प्रभावित करते हैं कि हम हैं? तो सबसे पहले निष्पक्षता हट चुकी है। आज जो सरकार है, मैं किसी की सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे आज की हो या पहले पूर्व की हो, पत्रकारिता का गलत उपयोग उस वहां से चला गया। तो पहले तो निष्पक्षता होनी चाहिए। आज की डेट में पत्रकार की सामाजिक स्थिति, आज से आप देखें जब स्वतंत्रता के बाद हुआ तो उसके बाद पत्रकारों की स्थिति बड़ी अच्छी थी, एक एक पत्रकार को बड़े सम्मानी दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन बाद के कालों में स्पेशली ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद से पत्रकार निष्पक्ष नहीं हुए। इसकी वजह है कि पत्रकार विशेष तरीके से कई लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्वरूप का चेंज किया, अपने अपने स्वरूप को ही बदल दिया। इसलिए पत्रकारों की सामाजिक व्यवस्था में निचले स्तर पे आ गए। मैं सभी पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पत्रकारों में डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा है और डिस्पैरिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपनी बात से रखूं तो शर्मा जी भी इस बात को मना नहीं करेंगे, डिस्पैरिटी आज की डेट में कम से कम 5 से 10% पत्रकार ऐसे हैं जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका रहन सहन सामाजिक स्तर पे बहुत ऊपर है। वही पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उसे अपने आगे भविष्य का भी निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि वो किस ढंग से अपने घर को चला, बेसिक नीड्स को पूरा करे। जब आदमी की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है वो ऐसे काम में लग जाता है, ऐसे काम में लिप्तता उसकी स्थिति हो जाती है जो कि संविधान और समाज के खिलाफ होती है। कई बार आज की डेट में जबकि मीडिया का जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, सभी व्यक्ति काफी समझदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों की विश्वसनीयता पे संदेह हो जाता है। इसकी वजह से सामाजिक स्तर पे उनकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, उनका स्तर थोड़ा सा, मैं माफी चाहूंगा अगर बात मैं कहूँ, थोड़ा सा सामाजिक स्तर ही हो जाते हैं। इसके लिए उसके पीछे आर्थिक रूप से और सामाजिक और राजनीतिक तीनों का। सर जैसे कि अभी मिश्रा जी ने हमें बताया कि जो पत्रकार है उनका क्या कारण है कि जो पत्रकार पिछड़े हुए हैं, क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि जो पत्रकारिता है उसके ऊपर जो है कॉर्पोरेट का जो एक अधिकार होता जा रहा है, जैसे कि एक ही कॉर्पोरेट घराना जिसके 28 सैनिक है। सर अगर एक बात है कि अगर ये व्यापार नहीं है पत्रकारिता तो वो एक चैनल भी तो चला सकते हैं। देखिए कौशल साहब, इससे पहले मैं उस सूत्र को डिफाइन करूं या उस सूत्र पे अपने विचार रखूं जो मेरे मित्र मिश्रा जी ने बताए हैं, मैं उन पत्रकारों को नमन करना चाहूंगा और उनका जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी देश सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने व्यवसाय अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा। तो एक बात सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूंगा। दूसरी बात मिश्रा जी से मेरी सहमति बनती है जो इन्होंने सूत्र बताया कि जब पत्रकारिता के नाम पर आप राष्ट्र का नमक खाने लगोगे तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। कारण उसका एक ही होता है, पत्रकार जो होते हैं वो देश का समाज का आईना होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि सरकार की नीति पे कठोर से कठोर कुठाराघात करना, उसको सही रास्ते पे ले जाना। जो श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद भी पत्रकार थे वो कहते थे कि निंदक मेरे राज के आगन कुटिल चल रहे, तो उनका वो काम होता है, ना कि सरकार के गलत और सही काम का महामंडन करना, मंचन करना। आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, पत्रकार जो होता है उसको एक न्यूट्रल होना चाहिए। आज जैसे आज के समय में जैसे मिश्रा जी ने बताया कि आप उसको ना कहते ना कि हाथ कंगन को हाथ से चार, पढ़े लिखे को फारसी के, आज आप 20 चैनल उठा के देखिए सारे के सारे
एक से लेके लास्ट तक एक ही बात करते रहेंगे, एक पर्टिकुलर चीज का महामंडन करते रहेंगे। वो कभी भी जो है आपको ये नहीं बताएंगे इसकी ये त्रुटि है या इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो कोई भी सरकार हो उसकी हमेशा बड़ाई करते, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आप एडवर्टाइजमेंट, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है, आप पत्रकार है, आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज जो एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आपने देखा होगा क्योंकि आज जो है जो पत्रकारिता, जो लिखित की पत्रकारिता, जो प्रिंट मीडिया होता था वो पिछली वाली सीट पर चला गया, मीडिया ज्यादा एक्सिस्ट आ गया। उसके अंदर आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि ग्लैमर, कॉमर्शलाइजेशन और जो लाइजनिंग का वर्क बहुत आ गया है, जो मेरी जो मुझे मिलते हैं क्योंकि मैं एक कलाकार समूह से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर भी बहुत सारे पत्रकार आते हैं तो मेरे बात करते हैं, तो हमेशा मुझसे एक ही बात करते हैं कि मैं आपसे ये काम करा दूंगा, मैं आपसे ये मिला दूंगा। तो ये आपने कुछ समय पहले देखा भी था कि कुछ पत्रकारों के वीडियो भी आए, तो कुछ समय पहले का मतलब एक दशक से पहले आपने देखा होगा कि पत्रकार लाइजनिंग के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी काम कर रहे हैं। जब पत्रकारिता इतने ग्रेवी स्तर पर आ जाएगी तो वो एक व्यवसाय। दूसरी चीज क्या होती है, कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो उद्योगपतियों ने पत्रकारिता को खरीदा हो, किसी चैनल को खरीदा हो। जहां पर बिजनेसमैन आ जाएगा, जहां पर कंपनियां जो है आप इसको मीडिया को चलाने लगेंगी, वहां पर पत्रकारिता की गुणवत्ता किस स्तर से जाएगी उसका आप सपने में भी आंकलन नहीं कर सकते हैं। और ये बड़ी दुखद स्थिति है। सरकार एक पर्टिकुलर एक्ट, सरकार को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि वो जब खुद ही जो है वो उनके माउथ पीस बन जाएंगे या उनके मुखबिंदु बन जो उनके महामंडन करने लगेंगे मंजर, तो फिर वो जो है पत्रकारिता नहीं रह जाएगी। बाकी ये बड़ी दुखद स्थिति है। और मैं आपको और एक अपने जितना मैंने, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा था, मैंने वो राजनेता भी देखे जो आए थे सारे, उनके विचार भी सुने, और पत्रकार जो हमारे जो पत्रकार बंधु जो है हरियाणा स्टेट से दिल्ली से आए थे, जो अपने अपने खर्चे पे खर्चा करके आए थे, मैंने देखा है उनको, तो उनकी अवस्था के लिए उनको खुद ही काम करना पड़ेगा। मुझे सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। उसका कारण है, अगर वो चाकूकारिता में होते तो उधर की साइड चले जाते, अगर वो पत्रकार की परिभाषा में परिभाषित करना है उनको, तो उनको अपने बलबूते पे चलना पड़ेगा और अपने हित में ही काम करना पड़ेगा। बाकी मैंने जो मेरे मित्र मिश्रा जी ने बात कही, मेरी उससे सहमति बनती है, और ये इस सहमति इसलिए भी बनती है क्योंकि जो बोला वो बड़ा सच बोला, सच वैसा कड़वा होता है, तो उसका सच थोड़ा कड़वा भी होता है और थोड़ा बुरा भी लगता है। तो पर इसके लिए मिश्रा जी से मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि मिश्रा जी जैसे आदमियों को भी आगे आना चाहिए, जिससे पत्रकार जो जिस तरह की स्थिति में पत्रकार हैं, जो वास्तव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनको वो सपोर्ट कर सके, ऐसे उद्योगपतियों को आगे आना भी चाहिए। मिश्रा जी, जैसे कि अभी आप हम बात कर रहे थे कि जो पत्रकारिता है वो एक व्यापार बनता जा रहा है, सारे जो पत्रकार हैं उनको अगर हम देखें तो इस समय जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने सारे चैनल को खरीद लिया है, इवन की जो पत्रकार है वो कोई बात नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो पत्रकारिता की आज़ादी है कॉर्पोरेट के आने की वजह से वो खत्म होती जा रही है? अगर कलकत्ता के बीच में रेप होता है तो उसको बड़े जोर जोर से उठाया जाता है, उत्तर प्रदेश में रेप होता है तो उसकी कोई खबर ही नहीं चला जाती है। तो सर जब तक ये पत्रकारिता निष्पक्ष कैसे होगी जब तक ये कॉर्पोरेट के हाथ में रहेगी, क्योंकि वो तो हमेशा सरकार की बात करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट को तो हमेशा सरकार से ही फायदा मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है रविंदर जी, और जैसे मेरे मित्र समीर जी ने भी वो बात करी है, उसी बात को एक पॉइंट आगे बढ़ाते मैं बोलूंगा कि आज क्या आप अपने आप से, आप सुनते पत्रकार वर्ग से, आप अपने पत्रकार वर्ग से पूछे क्या वो वाकई सही मायने पे पत्रकारिता कर रहे हैं या किसी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए एम्प्लॉय हैं? क्योंकि अगर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए एम्प्लॉय की तरह चैनल में काम कर रहे हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं रहे, और अगर आप पत्रकार हैं तो किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है ना, अगर आप सिर्फ पत्रकार हैं और निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि आप किसी चैनल के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात को नहीं रख सकते। ठीक, एक दूसरी बात, आज की डेट में कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार हमारा समाज भी है, क्योंकि हम लोगों ने चैनल प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा दिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हमने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, और हम जो है मीडिया के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब चैनल, चैनल मतलब टीआरपी, टीआरपी मतलब मोर एड्स, मोर एड्स कैसे आएंगे, ज्यादा कैसे आएंगे,
वो टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी कैसे बढ़ेंगे, जब हम ऐसी बातें चलाएं जिसका ज्यादातर सर पैर नहीं, मसालेदार, जो ज्यादा मसालेदार हो, जैसे मित्र ने कहा मेरे, बाकी आप मसालेदार कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे आपने कुछ कर दिया, अब ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे आपने कलकत्ता को तो बता दिया, दिखा दिया। क्या किसी ऐसे राज्य में हुआ और उसको आप नहीं दिखाए, क्योंकि वहां की राज्य की सरकार आपकी फेवरेट है, या कोई भी ऐसी बात जो मैं कहने की कोशिश करूं आप समझ रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ आपकी निष्पक्षता कहाँ चली जाती है? जब यूपी में रेप केस हो रहा है आप उसको दिखाएंगे नहीं, और कलकत्ता में होगा आप उसको दिखाएंगे, ये गलत। मुझे नहीं लगता कि पत्रकार किसी भी तरीके से राजनीतिक होकर के भी राजनीति में नहीं होता, इस बात को समझिएगा। और जब आप राजनीति में होकर के भी राजनीति में नहीं है, इसका अर्थ है कि आप निष्पक्ष। लेकिन अब ऐसा नहीं, चैनल के माध्यम से जितने भी राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाने के लिए वैसे कंप्रोमाइज करते हैं, कुछ ढंग से डील की जाती है। आज की डेट में बेसिकली पत्रकार क्या हो गए, लॉबियस्ट का ही काम कर रहा है वो, सरकार और गैर सरकार पक्ष विपक्ष के बीच में, उनके बीच में लॉबी काम कर रहा है। कुछ पत्रकार सिर्फ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ है किसी और के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले पत्रकारों को अपने विषय में गहन खुद का स्व अध्ययन करना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, हम क्या दिशा में ले जा रहे हैं। आज समाज में किसी को भी पत्रकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा, उनको लग रहा है फला आदमी का है या उस पार्टी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर से इस इमेज को हटाना। दूसरी बात, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे किसी भी सरकार ने आपको कभी कुछ नहीं दिया। मैं कुछ एक सरकार की बात छोड़ दूं, बट सामाजिक सुरक्षा के नाम से कुछ नहीं दिया। अगर मैं गलत हूँ तो सामाजिक प्लीज मैं चाहूंगा ओके मुझे। सामाजिक सुरक्षा ना कोई ऐसा केंद्र बिंदु दिया उन्होंने, ना कोई ऐसा फंड की निधि फंड दिया जिससे आपकी सुरक्षा सिक्योरिटी हो जाए। जब किसी चीज की फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होगी तो पत्रकार निष्पक्ष नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट है। जब मुझे लगेगा फ्यूचर सेफ है, मेरे बच्चे पीछे से अच्छे हैं, तभी मैं निष्पक्ष होकर, चाहे सरकार हो या विपक्ष पार्टी, मैं उनको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ अपनी बातों में, अपने लेखन के जोर पर उस बात को मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, तो कोई भी पत्रकार आगे कैसे पहुंचेगा? आज पत्रकारों के बीच में 10% पत्रकार ऐसे हैं जो 1,000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं, और कुछ ऐसे जिनको अपना जीवन यापन करने में दिक्कत है, जो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए उनको हर जगह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि ये चीज नहीं लिखे, सरकार के खिलाफ ना लिखे या उसके खिलाफ ना लिखे। तो जब तक आप इन सब चीजों को बीच से नहीं हटाएंगे, तब तक कोई भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो सकता, और कोई भी पत्रकार सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते, ये उनकी मजबूरी है। मैं पत्रकार को भी खराब नहीं करूंगा। जहां आज बाकी अन्य डिपार्टमेंट देखेंगे या अन्य कोई भी उद्योग देखेंगे, वहां आगे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता कोई उद्योग नहीं है ना। हम उसको उद्योग की श्रेणी में डाल रहे हैं, तो एज एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। पत्रकार सीधा सिंपल सा कहना है कि आप अगर उनको सामाजिक सुरक्षा दें तो वो अपनी निष्पक्षता से इस देश के लिए आगे काम कर सकते। अदरवाइज पत्रकार बहुत काम करते हैं और बहुत ग्राउंड लेवल पे करते हैं, लेकिन इसको एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हमें क्या दिशा देनी है। शर्मा जी, जैसे कि भी मिश्रा जी ने बताया कि पत्रकारों की स्थिति दयनीय क्यों है, क्योंकि कुछ एक पत्रकार तो जो है उनका लेवल इतना ऊंचा है कि उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है, 1,000 करोड़ के लोग भी हो गए हैं वो, लेकिन जो पत्रकार ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल अभी दबा हुआ है आर्थिक तौर पे, उसके लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, क्या क्या ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे कि पत्रकारों की जो स्थिति है वो सुधर सके। सबसे पहला प्रयास तो उनको एकजुटता अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि क्या होता है, एक कहावत है, यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। तो जब वो एकजुटता आएगी, सरकार से आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि वो जो जब सरकार जो है एक पर्टिकुलर पक्ष के लिए चली जाती है, ब्लाइंड हो जाती है, ब्लाइंड टू रीजन हो जाती है, तो उससे आप उम्मीद रहे कि आप एक कर आप उन सब ज्वलंत मुद्दों को उठाइए। आप अपनी जैसे उद्योगपतियों से जो कॉन्टेक्ट करिए जो समाज के लिए समर्पित है। व्यापार करना कुंडली बात नहीं होता, लेकिन व्यापार के साथ साथ व्यापार जीविका के लिए किया जाता है, और जो समाज सेवा होती है उसके लिए जैसे ये हमेशा तत्पर रहते हैं और इनका योगदान होता है, तो ऐसे उद्योगपतियों को कॉन्टेक्ट करिए। क्योंकि आपको क्या है कि रोम कैनोन, जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, रोम कैनोन टू बिल्ड कम्युनिटी, धीरे धीरे आपको ये करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है, जो आपको जनता तक, एक चीज याद रखिए, जब हमने लोकतंत्र को अपनाया, जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अंगीकार किया, तो हमने एक बात को जो है मान लिया था कि इस देश की ताकत
इस देश की ताकत इसके लोग हैं। आपको अपनी बात को, आपको अपनी देश की समस्या को, देश की नीति और अनीति को, दोनों को जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बोला कि टीआरपी है, उस टीआरपी ही आपका कवच है, उस कवच को ही आपको में से उसमें से आपको जो है उस कवच को ही भेदना पड़ेगा, उसके अंदर ही कमी निकालनी पड़ेगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेहनत इधर हो रही है, ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता है, क्योंकि यदि लोग उस चीज को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा भगवान की भी कीमत भक्त से होती है, अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान अपने आप में शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए जो दर्शक नहीं होंगे, उनके वो जो मुरीद नहीं होंगे, उनके जो प्रशंसक नहीं होंगे, या लोग वो नागरिक नहीं होंगे जो उस बात को समझ सकते हैं, तो वो जो है शून्यता को प्राप्त होगा। मैं एक उदाहरण के रूप में बता दूं, आज हम देखते हैं कि पुराने जितने हमारे साहित्यकार थे या पत्रकार थे, आज उनको भी लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, हालांकि वो जो है गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी उनके कामों को, उनकी रचनाओं को, उनकी लेखनी को आज भी पढ़ते हैं, उनसे वो इंस्पायर होते हैं। तो आप एक ऐसी क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी, उस बात को आपको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यही बात आपने कही कि भाई कलकत्ता के अंदर ऐसा हुआ, तो इस बात को आपको एक आंकड़े के साथ पत्रकारों को दूसरी तरह बताना चाहिए, केवल ये जो एक तरफा बात है ये नहीं चलेगी। रेप होना गलत चीज है, अपराध होना गलत चीज है, सरकार के कठोर से कठोर सरकार के प्रति बोलना चाहिए, लेकिन वो निष्पक्षता के साथ सबके साथ बोलना चाहिए, ये उसका मूल मंत्र होगा। क्योंकि क्वालिटी को दबाया जा सकता है, देर गुणवत्ता को दबाया जा सकता है, उसको देर किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आज नहीं कल आपके विचार, क्योंकि विचार शाश्वत होते हैं, आज नहीं कल वो विचार पूरे देश पे राज करेंगे, और एक दिन ऐसा सुनहरा दिन आएगा जो इन पत्रकार भाइयों की दशा भी सुधरेगी। सर हमारे पास समय कम है, मैं चाहूंगा कि आप दो शब्दों में ये कहेंगे, जो पत्रकार हैं उनकी स्थिति खराब है, जैसे उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, उनको भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के बीच में बड़ी डोनेशन देकर, आज आपको मालूम है कि हर एक जगह कहीं भी चले जाओ तो एडमिशन के लिए डोनेशन देना पड़ता है, और डोनेशन नहीं दे पाते उनके बच्चों के अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाती है, तो पीछे एक ऐसा चाहे 1% या 2% ही वैसे रिजर्वेशन का उनको भी एक प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि वो उनके एडमिशन हो सके, उनको भी ऐसे कुछ एक कार्ड इशू होने चाहिए जिससे कि वो हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सके, बेचारे इलाज के अभाव में भी ऐसे हमारे पत्रकार है जो अपना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि वो आर्थिक रूप से तंग है। तो सर इस विषय में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, पर सरकार ने क्या वाकई चौथे स्तंभ के लिए कुछ किया? तीनों स्तंभ अपने आप में मजबूत है, चौथा स्तंभ अपने दम पे खड़ा, और वो कब तक खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं। अभी तक आपके पास कोई सामाजिक आर्थिक, जैसे मैंने पहले कहा, सामाजिक आर्थिक कोई सुरक्षा नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार इस विषय में ध्यान नहीं दे रही है, उनको लगता है कि पत्रकार स्वजीवी है, खुद ही कुछ कर लेगा। जब तक सरकार उसमें इनिशिएट नहीं करेगी और पत्रकार बंधु आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक वो आगे फाइनेंशियली आगे बढ़ने में उनको मुश्किल है। मेरे हिसाब से होना ही चाहिए कि पत्रकारों के लिए भी आफ्टर रिटायरमेंट एक रिटायरमेंट जैसी चीज होना चाहिए, उसके लिए उनके सरकार को चाहिए कि एक बहुत अच्छी सी पेंशन सहित योजना चालू करें, उनके बच्चों के लिए जहां जहां रिजर्वेशन की जरूरत है वहां उनको मिले, क्योंकि सरकार कोई एक जगह से रह करके कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा विश्व है, पूरा भारत है। तो मुझे लगता है, और वो अपने सामाजिक जीवन में अगर देखें तो ना तो रिश्तेदारों को टाइम दे पाते हैं, ना घर को ही टाइम दे पाते, ये बहुत बड़ा। तो उनके बच्चों के लिए भी एक फ्यूचर सिक्योर तो होना चाहिए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, एक सामाजिक निधि का भी निर्माण करना चाहिए जिससे पत्रकार निर्भय होकर के अपनी बात रख सके, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा चीज है जैसे वो कहते हैं राम रूप सर्वस्व माना देखत रह सदर्शन, वाकई एक तरह से सबको एक रूप में देते हैं, तब जाके पत्रकारिता अपने आप को सिद्ध कर सकती है। सामाजिक और आर्थिक सिक्योरिटी चाहिए और सरकार की तरफ से होना चाहिए, पेंशन हो, एक कोई क्राइटेरिया, एक ऐसा स्लैब बनाया जाए कि 15 साल या 10 साल 20 साल, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा फंड बनाया जाए और जिसके तहत सब पत्रकार इकट्ठा हो, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मेरी सरकार से भी दरख्वास्त है और लोगों से भी, पत्रकारों को उस दृष्टि से न देखें कि सरकार के लिए काम करें, पत्रकार को हमेशा उस दृष्टि से देखें कि वो समाज में एक दिशा निर्धारण का कार्य कर रहे हैं, न कि किसी की क्या सफलता। हमें इस चीज से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। अभी हाल के दिनों में थोड़ा पत्रकारिता का स्तर कुछ नीचे आया है,
इसमें मैं चाहूंगा कि पत्रकार बंधुओं को आपको भी अपना स्तर उठाने की जरूरत है और सरकार से बिल्कुल अनुरोध है, हर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी, कि उनको पत्रकारों के विषय में उनकी सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूर सोचना चाहिए और उनकी फैमिली के लिए भी जरूर सोचना चाहिए। सर जैसे कि आप कानूनी ज्यादा समझ रखते हैं कानून के बारे में, जैसे हमारे पत्रकार बंधु हैं, जब वो कहीं पर की क्षेत्र के बीच में जाते हैं न्यूज करने के लिए जाते हैं, तो उनको बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके साथ पुलिस वाले अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं, कई बार तो कईयों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं। तो इस स्थिति के बीच पत्रकार अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता है, जिसके लिए कि सीएम का गठन किया गया दिल्ली हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, क्योंकि ये जो यूनियन है उसके बीच में जब पत्रकार को लगता है कि जब वो उसका सदस्य होता है कि भाई मेरे पीछे कोई है, जिसकी वजह से वो बड़ा निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर पाता है। सर जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है कि उसके जो पत्रकार को उनका कार्य नहीं करने दिया जाता, उनको प्रशासन के द्वारा रोका जाता है, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि मतलब कि हम कहें कि हमारे नेता लोग भी, जब उनके भी अगर विरुद्ध कोई बात की जाती है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तो सर स्थिति में क्या करना है? देखिए मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी स्टेप यदि ये दमन कानून नीति होती है तो क्या होता है। देखिए मैं एक आपको दो लाइनें बताता हूँ कि वो किसी ने कहा है कि रह के गुमसुम भी कभी नाम हुआ करता है और चुप रह के भी कभी काम हुआ करता है, छीन ना बढ़ के ना आता हो साखी से, खाली ऐसो का ही जाम हुआ करता है। पत्रकार बंधु एक बुद्धत्व के मालिक होते हैं, उसके स्वामी होते हैं, यदि सरकार नहीं सुनेगी उसके कानों को कैसे सुनाना है, ये हमने समय समय पर बताया, इतिहास उसकी पौराणिक सूचना देता है, सत्यापित सूचना देता है। मैं क्योंकि मुझे आपने जो है एक विधिक का भी एक त्योहार दिया है आपने यूनियन के अंदर, और ये मेरा सौभाग्य आपने अपनी यूनियन का सेवा करने का मौका दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ किसी भी पत्रकार को कभी कोई समस्या होगी तो कोर्ट का दरवाजा उसके लिए चाहे यहाँ पर हो चाहे हरियाणा में हो, क्योंकि हमारे दोनों कार्य क्षेत्र अभी सीमित हरियाणा और दिल्ली तक ही है, उनके लिए मैं और मेरा ऑफिस फ्री में कोर्ट से न्याय दिलाएंगे। अगर कोर्ट से न्याय नहीं होगा तो सड़क पर आंदोलन करेंगे। वैसे जुडिशरी ने इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी जैसी सशक्त आयरन लेडी को भी जो है एक आईना दिखाने का काम किया था, उसके अंदर भी यदि आप उसकी गौर से यदि उस घटना का अवलोकन करेंगे, उन परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे, उसके अंदर भी पत्रकारों का ही पुरुषार्थ था कि राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि मैं जैसे भी हूँ तन मन धन से इस एसोसिएशन के साथ खड़ा रहूंगा, अपने रहते हुए इन पर अन्याय नहीं होगा। बड़ी अच्छी चर्चा हुई अभी मिश्रा जी के साथ और शर्मा जी के साथ, इन्होंने बताया कि पत्रकार क्यों स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल।